जो पाखंड कर रहे हैं, तालिबान से देश को बचाने की बात कर रहे हैं कि कभी भारत में मुसलमान भी तालिबानी ना बन जाएं, तो ये खुद तालिबान हैं। इनकी सोच अभी तक भारत सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है तालिबान को लेकर। एक्चुअली ये स्टैंड क्लियर ले ही नहीं सकते क्योंकि इनकी खुद की सोच में खोट है। क्योंकि अगर मान लो तालिबान को ये गलत ठहराते हैं या गलत कहते हैं तो इन पर भी सवाल उठता है, क्योंकि इन्होंने आंख बंद करके अमेरिका का पिट्ठू बनकर करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर जो है वो तालिबान में इन्वेस्ट किया है। अब ये किस मुंह से उसको नकारें या किस मुंह से उसका समर्थन करें, इनके तो सांप के मुंह में छछुंदर वाली स्थिति। लेकिन अमेरिका तो कह रहा हमने लाखों डॉलर खर्च किए इन लोगों पर और ये छोड़ के भाग गए, इन्होंने मुकाबला भी नहीं किया। देखिए ये तालिबान के साथ अमेरिका का सीक्रेट समझौता हुआ है। अमेरिका के साथ समझौता अगर नहीं हुआ होता तो 20 साल से अमेरिका क्या वहाँ पर खाक छान रहा था? क्या उसने अमेरिका ने वहाँ पर इतनी कमजोर सरकार स्थापित करी थी जो ये दावे कर रहे थे कि हम लोकतंत्र की बहाली का संघर्ष कर रहे हैं? क्या किया इन्होंने? इन्होंने केवल वहाँ पर वहाँ के संसाधनों को लूटा है और अमेरिकी सैनिकों को मरवाया है और वहाँ पर भी कट्टरपंथियों को पनाह दिए, कट्टरपंथियों को इस तरह के हमले करने के लिए, इस तरह का व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रोपोगेट किया है, आगे बढ़ा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर तालिबान का वहाँ शासन चलेगा तो महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, और उसी के विरोध में आज हम सड़क पर हैं, क्योंकि महिलाओं को तो वो इंसान का दर्जा देते ही नहीं ना। जो भी तालिबानी सोच रखने वाले, चाहे वो हिंदू धर्म में है, चाहे इस्लाम में है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में है, चाहे यहूदी हैं, वो सारे तालिबानी ही कहलाएंगे। क्योंकि तालिबान महिलाओं को तो इंसान समझता नहीं है, बच्चे और महिलाएं उनके लिए सामान है, वो उनका उपभोग करेंगे, उनको मारेंगे, काटेंगे, घरों में कैद करेंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे। तो ऐसे लोगों का विरोध अगर जनता सड़क पर उतर कर नहीं करेगी तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और विश्व जन समुदाय को आज इसके विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन तालिबान बड़े दावे तो बड़े अच्छे अच्छे दावे कर रहा है कि लोकतंत्र की तरह हम शासन चलाएंगे। नहीं, वो तो अब अपना जो बदला हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो जो कर रहे हैं वो और जो बोल रहे हैं वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बोल रहे हैं कि हम सुधर गए हैं, अब हम महिलाओं को आज़ादी देंगे, महिलाओं को काम करने के लिए भेजेंगे, जाने की परमिशन देंगे, उन्हें स्कूल जाने देंगे, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं? वास्तव में महिलाओं पर अटैक हो रहे हैं, कितनी दुर्गति उनकी हो रही है, घरों में उन्हें कैद किया जा रहा है। तो वो इस्लामिक जो उनका तालिबानी लॉ है वो इम्प्लीमेंट मतलब थोपे जा रहे हैं उनके ऊपर, तो कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन आप तो तालिबान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस देश के ज़्यादातर जो लोग हैं, खासकर जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं, वो तो समर्थन कर रहे हैं तालिबान का। मैं बोल रही हूँ ना, वो समर्थन जो कर रहे हैं वो तालिबानी सोच वाले लोग हैं, और उनका भी हम उसी तरह से विरोध करेंगे, उसी तरीके से उनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध बात करते हैं, विज्ञान के नियम के विरुद्ध बात करते हैं, भेदभाव खड़े करते हैं, उन लोगों के विरुद्ध हम पूरी ताकत के साथ आवाज बुलंद करेंगे और अपने इंसान होने का हक साबित करने की मुहिम में लड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता जो बीजेपी चाह रही इन लोगों ने वही कर दिया? जैसे सपा के सांसद हैं संबल से सबकुर रहमान, उन्होंने तालिबान का समर्थन किया। देखिए ये जो इस तरह के मेंढक है ना, जो टर्राते हैं मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, या इस तरह की जो और इनकी जो हरकतें हैं, उन सबका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम इनमें से किसी भी ऐसे व्यक्ति का कभी समर्थन नहीं करेंगे, उसे मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, न केवल उसको डिस्कार्ड करेंगे बल्कि उनका जवाब भी देंगे कि महिलाओं को इंसान होने के हक से तुम बेदखल नहीं कर सकते, चाहे तालिबान है, चाहे यहाँ के सपा के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे किसी और पार्टी के हैं, चुनावी राजनीति के चलते तुम हमें इंसान के दर्जे से नीचे गिराने की जरूरत नहीं कर सकते। लेकिन मनुस्मृति तो महिलाओं को भी तो अधिकार नहीं देती। मनुस्मृति को भी दफना देंगे, उसकी भी राख बनाकर फेंक देंगे। मनुस्मृति हो चाहे कोई और स्मृति हो, हमें किसी भी स्मृति को स्वीकार नहीं करना है जो इंसान को इंसान के हक से वंचित करती है, विशेषकर महिलाओं को या दलितों को या किसी भी वर्ग को, हम उसको बिल्कुल चलने नहीं देंगे। जब तक हमारी सांस में सांस है, महिला आंदोलन, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में हमारे छात्र, हमारी महिलाएं, हमारे संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं। एक कॉल की देने की देर है, हम सब सड़क पर होते हैं। क्या जैसे आपने अभी अमेरिका
का जिक्र किया कि अमेरिका 20 साल से वहाँ शासन कर रहा है, उसको पता नहीं था क्या कि तालिबान इतना हावी हो जाएगा चंद दिनों में? देखिए, तालिबान जो है ना, ये अमेरिका जो है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। विश्व में अगर कोई आज के दिन लोग व्यक्ति हुआ करते हैं, संगठन हुआ करते हैं, लेकिन कोई देश टेररिस्ट है वो अमेरिका ही है, जो कभी इराक में अटैक करता है कि हम सारे केमिकल वेपन्स को नष्ट करेंगे, कभी वो अफगानिस्तान को बर्बाद करता है ओसामा बिन लादेन के नाम पे, कभी वो कभी किसी और देश पे जाकर अटैक करता है इस पे ISIS, जबकि इनका खड़ा किया हुआ ही आतंकवाद विश्व में फल फूल रहा है। ये हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं। इस सब का विरोध आज विश्व की जनता को सड़कों पर उतर कर करना चाहिए। लेकिन अमेरिका तो कह रहा है कि अफगान की सेना ने बिल्कुल मुकाबला नहीं किया तालिबान के सामने, सरेंडर कर दिया। देखिए, ये अब साबित हो चुका है कि अमेरिका ने अंदर खाने तालिबान से किया समझौता। एक महीने से वार्ताएं चली थी जिससे उनको कहा कि तुम सत्ता संभालो, और जो वहां का राष्ट्रपति था उसे कहा कि तुम चुपचाप खिसक लो। वरना जब भारत कह रहा है कि भारत ने अफगानी सेना को ट्रेंड किया, अमेरिका ने ट्रेंड किया, अत्याधुनिक हथियार दिए, फिर कैसे वो पीठ दिखाकर भाग गए? आप जानते हैं 32 साल का एक नया लड़का इसका अफगानी सेना का अध्यक्ष बना दिया जान पूछ के, जिससे कि उसके पास कोई कमांड करने की पार नहीं है, उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो सेना कैसे मुकाबला करेगी जिसका तुम दो दिन पहले उसको सेना अध्यक्ष को बदल रहे हो? तो ये तो प्री प्लांड अमेरिका का किया हुआ प्रपंच था, जो तालिबान इतनी जल्दी कुछ ही घंटों में पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आपको नहीं लगता विश्व समुदाय को भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं, महिलाएं, उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए? बिल्कुल आगे आना चाहिए। हम तो आह्वान करते हैं पूरे विश्व महिला संगठन, पूरे विश्व महिला कम्युनिटी को, और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटी के लिए चल रहे आंदोलन हैं, उन सब के लिए हम आह्वान करते हैं कि आज अगर चुप रह गए तो ये तालिबान का तांडव पता नहीं कौन से देश में सर उठाएगा और कितनी जिंदगियां तबाह करेगा। तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से मुद्दा बनाएगी आने वाले चुनाव में। बीजेपी मुद्दा बनाए, लेकिन जनता को आंख खोलकर देखना है कि जहां ये तालिबान का नाम मुस्लिम वोट के अगेंस्ट कर रहे हैं, हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कर रहे हैं, वहीं पर ये खुद भी तालिबानी फतवे महिलाओं के लिए जारी करते हैं। अभी इनका वो यति नरसिंहानंद सरस्वती कितने गंद बोल रहा है, कितनी बकवास कर रहा है। वो कह रहा है कि महिलाएं, हिंदू महिलाएं घरों में अकेली रहती हैं और मुस्लिम कारपेंटर और वो इलेक्ट्रीशियन वो आकर उनके साथ, मतलब कितना गंदा बोल रहा है वो। तो ये गंदगी तालिबान से कम है क्या? ये जो महिलाओं का डिग्रेडेशन है, ये जो महिलाओं के प्रति आरोप है, जो महिलाओं के ऊपर लांछन है, मैं कहती हूँ हिंदू महिलाएं चुप क्यों हैं? क्यों नहीं वो उसको जेल में पहुंचाती, उसे उसके विरुद्ध भी इसी तरह सड़कों पे उतरना चाहिए।